हेलो गाइस, वेलकम टू डी फॉर टेलीकॉम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीजा पर क्या खर्चा आ जाता है। मतलब एक स्टूडेंट जो कनाडा जाना चाहता है उसको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए। ओके, तो एक एक छोटी छोटी चीज का पूरा पूरा डिटेल में हम खर्चा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका खर्चा है वो रहता है आपका आईएलटीएस एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, कनाडा जाने की पहली कंडीशन है कि आपको आईएलटीएस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 बैंड आपको चाहिए अगर आपने प्लस टू करी है। अगर आप ग्रेजुएट हो पीजी डिप्लोमा के लिए जाना तो आपको मिनिमम 6.5 चाहिए। तो जो आईएलटीएस का एग्जाम है वो 14,000 रुपीज की अप्रोक्सीमेट फी, 16,000 पे। अगर आप कोचिंग ले रहे हो आईएलटीएस की, एक महीने की, दो महीने की, तो उसका खर्चा अलग से। तो 14,000 प्लस 10,000, 25,000 आप लगा के चल सकते हो आईएस का। ठीक है, 25,000 आपका खर्चा यहीं पे हो गया आईएस के। देन आपका दूसरा जो खर्चा आता है ऑफर लेटर। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हो कनाडा के, जिस कॉलेज में, कुछ कॉलेजेस की फी रहती है अप्लाई करने की, कुछ फ्री भी होते हैं। तो इसकी फी जो होती है वो वेरी करती है 6,000 रुपये से 20,000 रुपये के अंदर रहता है। हो सकता है जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उनकी कोई फी ना हो। तीसरा जो आपका खर्चा रहता है कॉलेज की फी। ऑफर लेटर आने के बाद जिस कॉलेज में आपको पढ़ने जाना है उसकी आपको पूरे साल की फी पे करनी है। अगर आप एफडीएस में जा रहे हो, अगर आप नॉन एफडीएस में जा रहे हो तो आपको एक सेमेस्टर की फी पे करनी है। तो जैसे कि ज्यादा स्टूडेंट अभी एफडीएस में ही जा रहे हैं तो पूरे एक साल की जो अप्रोक्सीमेट फी रहती है आपकी वो रहती है $15,000 से $17,000 के इन बिटवीन। मतलब 7 से 8 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट 8 लाख रुपए आपकी हो गई थी कॉलेज की। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका खर्चा आता है जीआईसी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो जीआईसी आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि कनाडा बाकी की कंट्री आपसे फंड्स के प्रूफ मांगती है स्टडी वीजा टाइम, कि आपके पेरेंट्स की क्या इनकम है, आईटीआर, ये वो, सो मेनी डॉक्यूमेंट। बट कनाडा क्या बोलता है कि आपके बच्चे के सर्वाइवल के लिए आप उसके पहले ही पैसे जमा करवा दो कनाडा में एक अकाउंट खोल के, जो कि $10,200 है इस टाइम, अप्रोक्सीमेट 5-5.5 लाख रुपए आपने पहले ही जमा करवाने हैं, जो आपके बच्चे को मिलते रहेंगे इंस्टॉलमेंट से पूरा एक साल, अराउंड $700 के पास हर महीने उसको मिलते रहेंगे, ताकि वो अपना किराया, खाना पीना आराम से निकाल। ठीक है, तो ये रहते हैं आपके पास ही है। कुछ लोग तो बच्चे वापस भेजे जाते हैं इंडिया में, लेकिन स्टिल ये जीआईसी आपको पे करनी पड़ती है, एक अकाउंट खोलना पड़ता है आपके बच्चे का। एक कनाडा में समझो अकाउंट ओपन हो चुका है और वो जो पैसे हैं वो उसके अकाउंट में पड़े हैं, कनाडा के अकाउंट में। देन ये होने के बाद बच्चे को एक मेडिकल करवाना पड़ता है। कनाडा जाने से पहले उसे मेडिकल करवाना पड़ता है, जिसकी फी है 5,500 इंडियन रुपीज। ओके, मेडिकल करवाने के बाद बायोमेट्रिक की जो अभी फी है वो है $85 to $90. So, आप लगा लो इसके भी 4,500 के आसपास आपको इंडियन करेंसी में आपको पड़ेंगे। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीजा एप्लीकेशन फी, दैट इज $150। ओके, उसके बाद आपको वीजा एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है। आप लगा सकते हो 7,500 से 8,000 रुपए के आसपास आपको ये पे करनी। तो ये सारे खर्चे तो हो गए आपके वीजा आने तक। उसके बाद आपकी एयर टिकट, जब आपने जाना है, आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग कितनी करते हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो, ये आप पे, ज़्यादा कपड़े लेके जाने, कम लेके जाने, क्या क्या साथ लेके जा रहे हो, ग्रोसरीज लेके जा रहे हो, किचन का सामान लेके जा रहे हो, बैग ब्रांडेड लेके जा रहे हो, नॉन ब्रांडेड लेके जा रहे हो, ये आपके खर्चे हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ अप्रोक्सीमेट, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो आपके पास 15 से 17 लाख के अंदर अंदर पैसे होने चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपने एजेंट हायर कर रखा है तो एजेंट का खर्चा अलग से लगा लो। कुछ एजेंट चार्ज करते हैं 25,000, 10 पहले 15 बाद में, कुछ लोग 20 पहले 5 बाद में, कुछ ऐसे। और आजकल जैसे कि पंजाब में चल रहा है कि सारी फीस आफ्टर वीजा, उसमें आपके ज्यादा चले जाते हैं। वो जो आप पैकेज लेते हो उसमें आप लगा लो 2-3-4 लाख और ऐड कर लो, उसमें आपके पैसे ज्यादा जाते हैं। तो हेयर आई वांट टू ऐड वन थिंग, अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हो तो हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, ना ही हम आपकी फाइल लगाने से पहले कुछ चार्ज करेंगे और ना ही आपका वीजा आने पर कुछ चार्ज करेंगे।
पहले 5 केसेस के लिए, ओके, पहले 5 केसेस के लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी 21 हम कुछ नहीं लेंगे, ना वीजा आने पर ना वीजा शुरू करने से पहले, ओके। अगर आप फैब से बाद भी अप्लाई कर रहे हो तो पहले तो हम कुछ नहीं लेंगे, हाँ वीजा आने के बाद विल चार्ज 15,000 रुपीज। अगर आप फरवरी के बाद अप्लाई करते हो सारा काम ट्रांसपेरेंसी से होगा, एक रुपया भी आपकी नॉलेज में होगा कि आपका एक रुपया कहाँ खर्च होगा, एक छोटा रुपया भी आपके हाथों से गुजरेगा, ओके, कुछ नहीं लिया जाएगा। जब आपका वीजा आ जाएगा आप अपनी खुशी से यू विल पे 15,000 रुपीज। तो ये हमारा खर्चा है एंड पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, आपको हर स्टेप पे गाइड किया जाएगा क्या करना है कैसे करना है। दूसरी वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, क्या चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपका रिफ्यूजल ना आए, क्या प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आने वाली है आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।